आज पहली बार एक साल पूरा हुआ है upinewsclick.com को, लेकिन आज तक मैं कभी घर से वीडियो नहीं बनाया था और आज मैं पहली बार अपने घर पे और छत पे खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ। रीजन भी है ऐसा, साल 2019 में छिछोरे फिल्म आती है सुशांत सिंह की, उसमें एक डायलॉग है, वो बड़ा फेमस डायलॉग है, वो रो ये है, अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो खुद की ज़िंदगी। और ये डायलॉग मेरे कान में तब गूंजा जब मुझे अयोध्या से कॉल आई कि आप पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव। मेरे जब ये आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मुझे जैसे फील हुआ कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैं लखनऊ में था उस समय, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब होती है, अयोध्या जिला हॉस्पिटल से जवाब होता है, मैं लखनऊ लोहिया में एडमिट कराता हूँ। वहाँ किसी मरीज को देखने से पहले, पेशेंट को देखने से पहले उसकी COVID-19 की जांच होती है। इससे हम भी गुजरे, पापा की भी जांच हुई, हमारी भी जांच हुई, तो खैर उनकी तो नेगेटिव आई लेकिन हम पॉजिटिव। हुआ ये कि मेरे मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव, रिपोर्ट निगेटिव, ये सब धारा का धारा रह जाता है जब आपके कानून में ये कोई बोलता है कि आप पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव। ये सबसे बड़ी है। और जब ये बातें उस आदमी के कान में गूंजे जो शुरू से लेके अंत तक उसी से संबंधित खबरें लिख रहा हो, खबरें कवर कर रहा हो, संख्या रोज़ आंकड़े व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों को अवगत कराता हो कि आज इतने आंकड़े आए, उसके लिए ये सबसे डिफिकल्ट काम था। खैर मैंने धैर्य बनाया और सबको कन्विंस करके रखा कि मेरे कोई सिम्टम नहीं है तो मैं पॉजिटिव कैसे हो सकता, ये सबको दिलासा देने के लिए ही बोल रहा था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं पॉजिटिव हूँ। और मुझे फील कैसे होता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले मुझे खांसी जुखाम बुखार हुआ था और उस समय मैंने आयुर्वेदिक दवा और कुछ घरेलू उपचार करके मैं ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन मैं रिपोर्टिंग पर ही था। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं कभी कहीं रिपोर्टिंग नहीं कर सका, मेरा गला इतना बैठता चला गया। शाम को आया मैं, घर वालों ने काढ़ा और जो भी होती है गर्म पानी, गला बैठने के लिए खारा नमक पानी गुनगुना करके पिलाया। सुबह तक मेरी हालत ठीक हो गई और दो दिन बाद फिर मैं रिपोर्टिंग पे जाऊँ। तो इसीलिए मुझे कंफर्म था कहीं ना कहीं मेरे अंदर सिम्टम थे तभी ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, नहीं तो ना। मैं आइसोलेट हुआ राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शहीद पथ पर आइसोलेट कोविड सेंटर बनाया गया है, मातृ एवं शिशु का हॉस्पिटल है वो, उसी को आइसोलेट COVID-19 का सेंटर बनाया गया है। मैं उधर ही आइसोलेट हुआ और जब वहाँ हम आइसोलेट सेंटर में जब जहाँ आइसोलेट किया गया था वहाँ हम जब पहुँचे तो वहाँ का स्टाफ जो है ना एक फ्रेंड, एक दोस्तों की तरह मौज मस्ती, वहाँ जाके पता ही नहीं चलता था जब तक मैं वहाँ गया नहीं था। गोमती नगर स्थित जो हॉस्पिटल है मैं वहाँ था, वहाँ इतने मतलब आपको हताश कर देते हैं कि मानो ना, आप तो जैसे 302 के मुजलिम हो, मैं तो ये तो खुद भुक्तभोगी हूँ तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। आपके बगल से कोई गुजरेगा तो दूर से ही बोलेगा कि अरे वहाँ ना जाइए, ये पॉजिटिव है। अगर वो 3 मीटर 4 मीटर की दूरी से भी गुजर रहा है तब भी उसको डांट के भगा देते हैं।
और वहाँ से एम्बुलेंस में बैठा के लाते हैं। खैर अब तो सारे नियम बदल गए हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं रही। होम आइसोलेशन का नियम आ गया, सारे प्रशासन ने सब कुछ बदल दिया उसके बाद ही। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ रात को मैं 10 बजे पहुँचा, मुझे 40 नंबर बेड दिया जाता है। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि आप पूछे मत, स्टाफ से लेके नर्सेज जो भी थी वो एकदम दोस्तों की तरह बिहेवियर करती थी। होता है 3 दिन बाद मुझे बुखार आता है हल्का सा, तो मैं काउंटर रिसेप्शन पे जाके बोलता हूँ कि मुझे फीवर है, तो उन्होंने वो बताते हैं कि आप पैरासीटामोल मिली होगी वो खा लीजिए। मैं 3 दिन उसे खाता हूँ और मुझे कोई भी मतलब सिम्टम नहीं नज़र आते, मुझे कोई लक्षण नहीं आते हैं। 10 दिन मैं वहाँ रहा लेकिन कोई लक्षण नहीं आते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं पॉजिटिव था। या आप गलत फहमी में न रहिए कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और आपके सिम्टम नहीं हैं तो आप ये मानते हैं। लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि अरे मेरे कोई लक्षण ही नहीं, मैं कह ये तो प्रशासन बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर आपका दुश्मन कमज़ोर हो और आप मजबूत हो तो आपका दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। उसी तरीके ये बीमारी है कि आपके शरीर पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम है, इसीलिए आपको जाना ही नहीं पड़ता। यही मेरे साथ भी है। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप वहाँ जाते हैं, अगर कभी भी कोई आइसोलेट होता है तो घर से सारे सामान पैक कर लें, ब्रश मंजन जो भी है रोज़ाना, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ खाने और दवा मिलेगी और कोई ट्रीटमेंट से संबंधित आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी चीज़ें आपके कपड़े और वो वहाँ की कोई नहीं मिलता, तो आप कपड़े वगैरह पैक कर लीजिए कम से कम 10 दिन के अगर आप आइसोलेट जाते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि आपको न जाना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है तो आइसोलेट में जाइए। उसके पहले आप पूरे कपड़े पूरी तैयारी के साथ जैसे एक टूर पर जाते हैं उसी तरीके से जाइए। मौज मस्ती वहाँ की जो माहौल होता है, हम तो यहाँ का नहीं जानते हैं जो अपने ज़िला का प्रशासन यहाँ कैसा माहौल है, लेकिन लखनऊ का सबसे बेहतर मानता हूँ कि लोहिया से बेहतर सुविधाएँ कहीं नहीं है लखनऊ में। पूरे लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जानने वाले बहुत से लोग थे जो वहाँ मेडिकल कॉलेज PGI में भी थे, तो सबसे बेहतर है। तो हम क्या कह रहे थे कि आप जाइए तैयार हो के सारा कुछ पैकअप करके, वहाँ आपको दवा मिलती है, खाइए रोज़ाना 10 दिन वहाँ करिए। ये समझिए कि मैं टूर पे आया, वहाँ पहुँचिए, मोबाइल से लोगों से बात करते रहिए और हताश मत होइए कि ये मेरे साथ क्या हो गया। नॉर्मली कुछ नहीं, ये बीमारी हमारे लिए इंडियंस के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रतिरोधक क्षमता इतना अधिक है। और जो दवाएं वहाँ मिलती हैं उसका सेवन करिए, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि मुँह पे मास्क और हाथ सैनिटाइज हमेशा करते रहिए। कोई भी चीज़ आप छूने से पहले सैनिटाइज करें और छूने के बाद सैनिटाइज करें, क्योंकि हमारा केयर ही, अगर हम खुद का जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा बीमारी को बढ़ावा देना होगा। धन्यवाद।